अद्वैत दर्शन के अनुसार विश्व में केवल एक वस्तु सत्य है और वो है ब्रह्म। ब्रह्मेतर समस्त वस्तुएं मिथ्या हैं। ब्रह्म ही उन्हें माया के योग से बनाता एवं अभिव्यक्त करता है। उस ब्रह्म की पुनः प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। हम में से प्रत्येक वही ब्रह्म है, वही परम तत्व है, पर माया से युक्त। अगर हम इस माया अथवा ज्ञान से मुक्त हो सकें तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेंगे। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तीन तत्वों से बना है, देह, अंतरिंद्रिय अथवा मन और आत्मा, जो इन सब के पीछे है। शरीर आत्मा का बाहरी आवरण है और मन भीतरी। यह आत्मा ही वस्तुतः दृष्टा और भोक्ता है तथा यही शरीर में बैठी बैठी मन के द्वारा शरीर को संचालित करती रहती है। मानव शरीर में आत्मा का ही एकमात्र अस्तित्व है और ये आत्मा चेतन है। क्योंकि ये चेतन है इसीलिए ये यौगिक नहीं हो सकती, और चूंकि ये यौगिक नहीं है इसीलिए इस पर कार्य कारण का नियम नहीं लागू हो सकता। अतः ये अमर है। जो अमर है उसका कोई आदि नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वस्तु का आदि होता है उसका अंत भी संभव है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उसका कोई रूपाकार नहीं है, कोई रूप भौतिक के बिना संभव नहीं। जिस वस्तु का कोई रूपाकार होगा उसका आदि और अंत भी होगा ही। हम लोगों में से किसी ने कभी ऐसी वस्तु नहीं देखी जिसका आकार तो हो पर आदि और अंत ना हो। रूपाकार की सृष्टि शक्ति एवं भौतिक द्रव्य के संयोग से होती है। इस कुर्सी का एक विशिष्ट आकार है, अर्थात एक निश्चित परिणाम वाले भौतिक द्रव्य पर कुछ शक्तियों ने इस प्रकार काम किया है कि इसका ये रूप बन गया है। आकार शक्ति एवं भौतिक द्रव्य के संयोग का परिणाम है, पर कोई भी संयोग अनंत नहीं होता, कभी ना कभी उसका विघटन होता ही है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि हर रूप का आदि और अंत है। हम जानते हैं कि हमारा ये शरीर एक ना एक दिन नष्ट होगा। जिसका जन्म हुआ है इसीलिए मरण भी होगा ही। किंतु आत्मा का कोई रूप नहीं, इसीलिए वह आदि और अंत से परे है। इसका अस्तित्व अनादिकाल से है। जैसे काल शाश्वत है वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी शाश्वत है। फिर यह अवश्य ही सर्वव्यापक होगी। केवल उन्हीं वस्तुओं का विस्तार सीमित होता है जिनका कोई रूप होता है। जिसका कोई रूप ही नहीं उसके विस्तार की क्या सीमा है। इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा जो मुझ में, तुम में, सब में है, सर्वव्यापक है। और जब ऐसी बात है तब तो सूर्य में, पृथ्वी पर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह तुम सामान्य रूप से वर्तमान हो। किंतु आत्मा शरीर और मन के माध्यम से ही काम करती है। अतः जहां शरीर और मन है वहीं उसका कार्य दृष्टिगोचर होता है। हमारा हर कार्य जो हम करते हैं, हर विचार जो हम सोचते हैं, मन पर एक छाप छोड़ जाता है, जिसे संस्कृत में संस्कार कहते हैं। ये सभी संस्कार मिलजुल कर एक ऐसी महती शक्ति का रूप लेते हैं जिसे चरित्र कहते हैं। उसने स्वयं के लिए जो निर्माण किया है वो उस मनुष्य का चरित्र है। ये मानसिक एवं दैहिक क्रियाओं का परिणाम है जिन्हें उसने अपने जीवन में किया है। संस्कारों की समष्टि वह शक्ति है जिससे वह निश्चित होता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य किस दिशा में जाएगा। मनुष्य के मरने पर उसका शरीर तत्वों में मिल जाता है, किंतु संस्कार मन में संलग्न रहते हैं। और चूंकि मन शरीर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तत्वों से बना है इसलिए विघटित नहीं होता। क्योंकि भौतिक द्रव्य जितना ही सूक्ष्मतर होता है उतना ही दृढ़तर होता है। अगत्या मन भी विघटित होता है। हम सभी उसी विघटन की स्थिति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरी समझ में अभी आ रहा है वह चक्रवात का है। विभिन्न वायु तरंगे विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं और एकाकार होकर मिल जाती हैं, और मिलन बिंदु में वे संगठित हो जाती हैं तथा चक्र बनाती हैं। चक्राकार स्थिति में वे धूलिकण, कागज के टुकड़े आदि नाना पदार्थों का एक रूप बना लेती है, जिन्हें बाद में
वे गिराकर पुनः किसी दूसरे स्थान पर जाकर यही क्रम फिर रचती है। ठीक इसी प्रकार वे शक्तियां जिन्हें संस्कृत में प्राण कहते हैं, परस्पर मिलकर भौतिक पदार्थों के संयोग से मन तथा शरीर की रचना करती है। चक्रवात की तरह ही वे कुछ समय में इन पदार्थों को गिराकर अन्यत्र यही कार्य पुनः करती हुई आगे बढ़ती जाती है। किंतु पदार्थ के बिना शक्ति की कोई गति नहीं, इसीलिए जब शरीर छूट जाता है तब मनस तत्व रह जाता है, जिसमें संस्कारों के रूप में प्राण कार्य करते हैं। किसी दूसरे बिंदु पर जाकर ये पुनः नए पदार्थों का चक्र खड़ा करते हैं। इस तरह ये तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक संस्कार रूपी शक्तियों का पूर्णतः क्षय नहीं हो जाता। संपूर्ण संस्कारों के साथ जब मन का पूर्णतः क्षय हो जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे। इसके पहले हम बंधन में हैं। हमारी आत्मा मन के चक्रवात से ढकी रहती है और सोचती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाई जाती है। जब चक्रवात समाप्त हो जाता है तब वह अपने को सर्वत्र व्याप्त पाती है। उसे तब अनुभव होता है कि वह तो स्वेच्छा से कहीं भी जा सकती है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है और चाहे तो अनेकानेक शरीर और मन की रचना कर सकती है। किंतु जब तक चक्रवात की समाप्ति नहीं होती उसे उसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम सभी इस चक्रवात से मुक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मान लो कि इस कमरे में एक गेंद है और हम सब के हाथ में एक एक बल्ला है। सैकड़ों बार हम उसे मारते हुए इधर से उधर करते रहते हैं जब तक कि वो कमरे से बाहर नहीं चला जाता। किस वेग से एवं किस दिशा में वो बाहर जाएगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि जब वह कमरे में था तो उस पर कितनी शक्तियां कार्य कर रही थी। उसके ऊपर जितनी शक्तियों का प्रयोग किया गया है उन सब का प्रभाव उस पर पड़ेगा। हमारी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं ऐसे ही आघात हैं। मानव मन वह गेंद है जिसे आघात दिया जाता है। यह संसार मानो एक कमरा है जिसमें मन रूपी गेंद के ऊपर हमारे नाना कार्यकलापों का प्रभाव पड़ता है एवं इसके बाहर जाने की दिशा एवं गति इन सारी शक्तियों के ऊपर निर्भर है। इस तरह इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उन्हीं के आधार पर हमारा भविष्य जीवन निश्चित होगा। इसलिए हमारा वर्तमान जीवन हमारे विगत जीवन का परिणाम है। एक उदाहरण लो। मान लो मैं तुमको एक ऐसी श्रृंखला देता हूं जिसका आदि अंत नहीं है। उस श्रृंखला में हर सफेद कड़ी के बाद एक काली कड़ी है और वह भी आदि अंतहीन है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वह श्रृंखला किस प्रकृति की है। पहले तो इसकी प्रकृति बतलाने में तुमको कठिनाई होगी क्योंकि वह श्रृंखला तो अनंत है, पर शीघ्र ही तुमको पता चलेगा कि यह तो एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी रचना काली और सफेद कड़ियों को पूर्वापर क्रम में जोड़ने से हुई है। और इतना भर जान लेने से ही तुमको संपूर्ण श्रृंखला की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है क्योंकि ये पूर्ण आकृति है। बार बार जन्म लेकर हम एक ऐसी ही अनंत श्रृंखला की रचना करते हैं जिसमें हर जीवन एक कड़ी है और इस कड़ी का आदि है जन्म और अंत है मरण। अभी जो हम हैं और जो हम करते हैं किंचित परिवर्तन के साथ उसी की आवृत्ति बार बार होती है। इस तरह अगर हम जन्म और मरण इन दो कड़ियों को समझ लें तो हम उस संपूर्ण मार्ग को समझ ले सकते हैं जिससे होकर हमें गुजरना है। हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन को तो हमारे पूर्व जीवन के कार्यकलापों ने ही निश्चित कर दिया था। जिस प्रकार हमारे वर्तमान जीवन के कार्यकलापों का प्रभाव आने वाले जीवन पर पड़ेगा उसी प्रकार हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का प्रभाव भी हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। कौन हमें ले आता है? हमारे प्रारब्ध कर्म। कौन हमें ले जाता है? हमारे क्रियमान कर्म। और इसी प्रकार हम आते और जाते हैं। जैसे कीड़ा अपने ही भीतर के पदार्थों से बने तंतुओं को मुंह से निकाल निकाल कर अपने चारों तरफ कोया बना लेता है और उसमें अपने को बांध लेता है, वैसे ही हम भी अपने ही कर्मों के जाल में स्वयं बद्ध हो जाते हैं। कार्य करण नियम के इस जाल में हम एक बार उलझ क्या जाते हैं कि इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक बार हमने ये चक्र चला दिया और अब इसी में पिस रहे हैं। इसी तरह यह दर्शन बतलाता है कि मनुष्य अपने ही अच्छे बुरे कर्मों से बंधता चला जाता है।